हेलो एवरीवन, आई एम आयशा फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी। तो आज हम बात करेंगे हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, मतलब इनका हम सेफ ट्रांसपोर्ट कैसे करें केमिकल का। मतलब जो भी केमिकल है, अब जहाँ भी मैन्युफैक्चर हुआ है वहाँ से अगर हम दूसरी जगह ले जाना चाहें तो हम कैसे उसकी हैंडलिंग करेंगे। ठीक है, सेफ़ ट्रांसपोर्टेशन हम कैसे करेंगे किसी केमिकल का, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि केमिकल की बात हो रही है तो सबसे हैजार्डियस मटेरियल हो गया, हाईली फ्लेमेबल भी हो सकता है। कोई कोई केमिकल क्या होता है, फ्लेमेबल तो बात की बात है, उसे इनहेल करने पर भी क्या होता है, कोई बीमारी जो है, डिसीज़ जो है वो हो सकती है कंटिन्यू इनहेल करने पर, या फिर आपकी बॉडी पार्ट पे भी वो गिर जाता है तो उसे इन्फेक्ट कर सकता है। तो केमिकल जो है वो एक हजार्डियस मटेरियल है, तो इसकी हैंडलिंग जो है वो बहुत ही सेफ्टी से हमें करनी होती है। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, हर केमिकल को हैंडल करने का उनका एक MSDS बना होता है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट बनी हुई होती है। तो जो भी केमिकल मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी MSDS बन के आती है, उसके अकॉर्डिंग हम उस केमिकल को अगर हैंडल करते हैं तो हम सेफ़ रह सकते हैं। ठीक है, तो अब सेफ़ ट्रांसपोर्टेशन अगर केमिकल का कर रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए जो भी ड्रम है केमिकल का, जो भी ड्रम है वो किसी भी ऐसे इनक्लोज कैबिन में ना रखें जिसमें ड्राइवर और वो या फिर और भी पैसेंजर हों। ठीक है, कभी भी कोई भी केमिकल इन सभी मटेरियल के साथ नहीं भेजना चाहिए, जो मतलब उसका एक अलग ही व्हीकल होना चाहिए जिस पर वो भेजें, उसके साथ कोई और मटेरियल नहीं होना चाहिए, जैसे कि क्लॉथ। ठीक है, फूड प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी ड्रग्स टाइप मटेरियल कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही हजार्डियस चीज़ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जो भी केमिकल है उसके अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि उस केमिकल को आप ऐसी इस तरीके से भेजें, सील्ड लगा हुआ कंटेनर कवर किए हुए, ठीक है, बिल्कुल लेबल्ड कंटेनर होने चाहिए सील के साथ, और जो बॉक्सेस हैं, बैग्स हैं, जो जिसमें भी आप भेज रहे हैं वो केमिकल, वो एकदम चेक करने के बाद कि वहाँ से कोई लीकेज तो नहीं है, उसमें से कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं कोई कंटेनर है उसमें लीकेज हो रहा हो तो वो फैल जाए, ये सारी चीज़ें पूरा चेक करके आप उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज सकते हैं। इस तरीके से क्या है, सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी व्हीकल तैयार कर रहे हो, कोई भी केमिकल्स अगर जा रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है ये चेक करना कि कोई भी कहीं भी कोई चीज़ लीक तो नहीं हो रही है। ठीक है, इनकेस अगर लीक हो रही है तो हमें उस चीज़ को हटा ही देना चाहिए, जो भी कंटेनर अगर कोई लीक हो रहा है, कोई भी बैग या बॉक्स लीकेज कर रहा है तो आपको उस चीज़ को वहाँ से हटा ही देनी चाहिए, और बाकी की सारी चीज़ें आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप भेज सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ अगर वहाँ पे जो भी केमिकल फैल रहा है, मान लीजिए फ्लेमेबल हुआ वो व्हीकल चल रहा है, तो हो सकती है आग लग जाए या कोई भी और चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें इसके वजह से सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ों का हजार्डियस सिचुएशन क्रिएट कर सकती हैं सारी चीज़ें। देखिए, अगर आप ठीक से उसको मतलब एक लाइन में, एक वे में, एक रूम में जमा कर नहीं रखेंगे, ऐसे कोई भी टैंक उठाया, कोई भी कंटेनर उठाया, पटक दिया, तो देखिए इस तरीके की सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें कोई भी ऐसा केमिकल जो जा रहे हैं उस व्हीकल में, उसका ड्राइवर को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा स्पीड में ना जाए, एकदम से ब्रेक ना लगाए, कुछ भी हो सकता है क्योंकि। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रांसपोर्टेशन अगर कर रहे हैं किसी भी केमिकल का, तो आप ध्यान रखें कि जो भी चीज़ जा रही है, कंटेनर जा रहे हैं, वो बिल्कुल चेक होके जाएं। साथ ही ये ध्यान रखें कोई भी फायर प्रूफ स्क्रीन बिटवीन, मतलब फायर प्रूफ होना चाहिए जो भी कंटेनर जा रहा है, इस तरीके का कंटेनर अगर जा रहा है तो, और जो कैबिन क्रू मतलब जिसमें लोग बैठे रहते हैं, और वो जो पीछे लगा हुआ है टैंक कंटेनर, उसमें क्या है फायर प्रूफ स्क्रीनिंग होनी चाहिए, जिससे क्या है अगर आग भी लगे तो एटलीस्ट ड्राइवर तो उतर के बच सके। ठीक है, एग्जॉस्ट फ्रंट स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा याद रखें लाइटनिंग करंट जो उसमें आ रहा है वो 24 वोल्ट से कम ही रहना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से क्या है आप अपने जो व्हीकल है उसको सेफ रख सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से एग्जॉस्ट जो बता रहा है, इस तरीके से एग्जॉस्ट रहता है, फायर प्रूफ स्क्रीनिंग इस तरीके से रहती है, इसमें दोनों चीज़ें इंडिकेट करी गई हैं। ठीक है, डबल पोल वायरिंग जो है, फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिकल फिटिंग होनी चाहिए उसमें। ठीक है, किसके बचने के लिए, फ्लेमेबल सब्सटेंस से बचने के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है, साथ ही अगर आप ड्रम्स जो हैं
वो कैसे चेक कर रहे हैं, ड्रम्स हैंडलिंग का आप कैसे करें, क्योंकि ड्रम्स में अगर केमिकल भरा है तो क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है उनका कंटेनर का, क्योंकि डैमेज तो नहीं है, लेबल्स चेक करने हैं, उनके मार्किंग चेक करनी है कि ड्रम कब रिफिल हुआ था, कब ये जाना है, ठीक है। कंटेनर को अगर वहाँ से उतार रहे हैं फॉर्कलिफ्ट से या जहाँ से भी आप उतार रहे हैं तो केयरफुली उसे रिमूव करें वहाँ से, ठीक है। एमरजेंसी प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए आपकी जो भी इंडस्ट्री में फॉलो हो रहा है, ठीक है। और कंटेनर्स को हमेशा स्टोरेज एरिया में ही रखें, ये ना करें कि इधर उधर आप उसको रख दें, ठीक है, क्योंकि इधर उधर रखने से भी नुकसान हो सकता है, किसी को नहीं पता है कि इसके अंदर केमिकल है और वो गलती से भी उसे छू दे, या मान लीजिए वो लीकेज ही होने लगा साइड में रखा रखा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें, कोई भी कंटेनर ला के सीधे स्टोरेज एरिया में रखें, उसको इंस्पेक्ट कर लें कहीं वो लीकेज तो नहीं, उसकी सील क्या है, कब पैक हुआ था, क्या मैन्युफैक्चरिंग उसकी हुई थी, कब रिफिल करके रखा गया है, ठीक है। देखिए केमिकल हैजार्ड है, हो सकता है बहुत ही बड़ा हैजार्ड है ये, तो आपको इसकी रिस्क कितना हैजार्ड है, इसकी हैजार्डियस कितना है, कितनी रिस्क है इसके मटेरियल में, तो क्या है, आपको सबसे पहले तो सेफ़ हैंडलिंग रखनी है, जो भी SOP आपके यहाँ बनती है उसे फॉलो करना है, ठीक है। इनहेलिंग उसे करना, जो भी केमिकल है उसके वेपर्स इनहेल ना करें, ठीक है। सैम्पल बॉटल्स जो हैं, जो भी आप सैम्पल बॉटल यूज़ कर रहे हैं वो प्रूव्ड हो, ऐसा ना हो कि वो केमिकल उनमें डालती है वो पिघल रही हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आप अपनी इंडस्ट्री को सेफ रख सकते हैं, अपने वर्क प्लेस को सेफ रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्टैटिक चार्ज जनरेट होने से बिल्कुल बच के रहें, ऐसी मेंटेनेंस करके रखें उस जगह पे कि स्टैटिक चार्ज जनरेट ना हो, क्योंकि स्टैटिक चार्ज अगर जनरेट होता है और हाईली फ्लेमेबल वहाँ कोई केमिकल है तो आग लग सकती है। तो इस तरीके की चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपने वर्क प्लेस को सेफ रख सकते हैं और केमिकल का जो ट्रांसपोर्टेशन करें, सेफ़ ट्रांसपोर्टेशन आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो आपको ये बता रहा है कि आप सेफ़ ट्रांसपोर्टेशन केमिकल का कैसे करें। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, जो भी केमिकल जा रहा है उसके ट्रांसपोर्टेशन पे, जो भी व्हीकल है उस पे ध्यान देना, जिस भी कंटेनर पे जा रहा है उन पे ध्यान देना। इंडस्ट्री में है तो SOP फॉलो करना, इंडस्ट्री के अंदर ही, वर्क प्लेस के अंदर ही केमिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसमें फॉर्कलिफ्ट पे जा रहा है तो उसको ठीक से वहाँ से रिमूव करना, ठीक से वहाँ पे रखना, इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान देनी होती हैं, ठीक है। बाकी जो केमिकल रहते हैं उनकी मटेरियल हैंडलिंग डेटा शीट बनी हुई रहती है, उस तरीके से आप उसे हैंडल कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है ये आज आपको बताया इसमें। सो थैंक यू।